अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इरफान कोहली विजन्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एक कबूतरी जो है वो बीमार हो गई थी, उसको वो बिल्कुल सूख गई थी और उसने दाना पानी खाना छोड़ दिया था, तो वो सोकड़े में चली गई थी। फ्रेंड्स, कबूतर इस बीमारी का शिकार क्यों होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो जब कबूतर ऐसे कबूतर की ये कंडीशन हो जाती है, वो दाना पानी बिल्कुल छोड़ देता है, तो दोस्तों उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो वो पतली बीट करने लग जाता है, पानी वाली बीट करने लग जाता है, और उसकी बीट का रंग जो है ग्रीन और पानी वाला होता है। तो दोस्तों, ये सब क्यों होता है, कबूतर को इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो है उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये कबूतरी जो है इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा आपको, बस ये जानकारी दूंगा। ये कबूतरी जो है एक साइड में बैठ जाती है, तो इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो पहले से ये बेहतर है। तो इसका मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया, इसको दोस्तों इसको सबसे पहले आपने अपने हैंड से हैंड फीड करानी है, इसको फुलका खिलाना है। ये देखें, मैंने इसके लिए ये फुलका लाया है, तो इसको ये चपाती खिलाना है अपने हाथ से। कबूतर को भूखा नहीं रहने देना है, उसके बाद आपने सुबह भी खिलाना है और शाम को भी खिलाना है, और उसको उसका ट्रीटमेंट करना है। और बीमार कबूतर को हमने फेंकना नहीं है, उसको मारना नहीं है, बल्कि उसका इलाज करना है, क्योंकि ये भी जानदार चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर जुल्म ना करें। कुछ दोस्तों के कबूतर बीमार होते हैं तो वो उनको जाके कहीं दूर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले जो है लूज़ मोशन के लिए, ताकि इसकी पतली बीट बंद हो जाए, उसके लिए मैं ये सिरप पावर जेल, ये आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप देख सकते हैं इसका रेट 79 रुपीज़। इसको आपने क्या करना है, एक सीसी जो है इंजेक्शन से या ड्रॉपर से एक सीसी कबूतर को पिलाना है, सुबह भी और शाम को भी, जब कबूतर को दाना पानी खिला लें, उसके बाद ये जो दवाइयाँ हैं ये खिलानी हैं। तो उसके बाद जो है हमें इसको विटामिन के लिए, ये विमरॉल है, ये देख सकते हैं, ये आपको वेटनरी शॉप से मिल जाएगा या फिर मेडिकल शॉप से भी मिल जाएगा, ये देख लें, इसके ऊपर मुर्गा भी बना हुआ है, गाय बनी है, तो और साथ में इसका रेट देख लें 57 रुपीज़ की है, तो ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों, हम आराम से जो अपने कबूतरों का इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको इन्फेक्शन के लिए मैं ये दे रहा हूँ सिप्लॉक्स टी जेड, ये देख सकते हैं आप सिप्लॉक्स टी जेड। तो इसका जो है इसको हमने तोड़ लेना है, तोड़ के इसको इसका 1/8 हिस्सा जो है कबूतर को खिलाना है सुबह। उसके बाद हमने अपने कबूतरों को रेगुलरली जो है बीच बीच में मेडिसिंस देनी चाहिए, जैसे ये ब्रूटोन होगी, इससे कबूतर फिट रहते हैं, उनका हाजमा नहीं बिगड़ता है, ये देख लें लीवर टॉनिक।